प्रतापगढ़ में आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार भी मौजूद रहे। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर में केसरिया महापंचायत होगी। इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर पीले चावल देकर निमंत्रण पत्र दिए हैं और इन्होंने इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से सवर्ण आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर 2 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर में केसरिया महापंचायत होगी। इसमें समान 10% EWS के आरक्षण को 14% करने एवं क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जाट समाज का वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, इसी तर्ज पर तुरंत प्रभाव से क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए एवं नगर परिषद एवं पंचायत चुनाव में OBC की तर्ज पर समाज को आरक्षण का लाभ मिले। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल को आयोजित महापंचायत में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। इसको लेकर तहसील स्तर एवं ग्रामीण स्तर सहित जिला स्तर से लोगों को जुटाने के लिए प्रतापगढ़ जिले में भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह झातला, यहाँ प्रदेश महासचिव दिग्विजय सिंह राणावत, रविराज सिंह बोरदिया सहित राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही इनके आगमन के साथ ही यहाँ पर आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया है। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़। आज हम आपके बीच प्रतापगढ़ में पहुंचे हैं। 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होने जा रही है, उसके पीले चावल देने के लिए और पोस्टर का विमोचन करने के लिए और यहाँ के युवाओं की जुम्मेवारी लगाने के लिए भी कितनी गाड़ियाँ, कैसे आप लोग आओगे, कितनी बसें लेकर के आओगे, कौन सी तहसील से कितने कितने लोग आ रहे हैं, उसको लेकर के हम आज आप लोगों के बीच में यहाँ प्रतापगढ़ आए हैं। संख्या तो आपको पता है, अभी विद्याधर नगर स्टेडियम है तो लाखों की तादाद के बगैर तो भरता ही नहीं है, लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और हमारी प्रमुखता से मांग रहेगी कि जो अभी जाट समाज को वीर तेजाजी जन कल्याण बोर्ड दिया है उसी तर्ज पर क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड सरकार तुरंत प्रभाव से जारी करे। इसके अलावा जो आरक्षण 10% है EWS का, उसको बढ़ा करके 14% करें और पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव में OBC की तर्ज पर जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण का लाभ पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव में मिले, ये मुख्य तौर से मांगे लेकर के हम लोग आपके बीच में आज यहाँ आए हैं। समाज की सेवा में लगे रहे, मां बने हमेशा आपको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब, साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार साहब, हमारा जिला अध्यक्ष नेपाल बना, रवि बना, उसकी सामने भी राज्य सभी करनी सुनी क्या जो जो 2 अप्रैल की जो केसरिया आंदोलन को लेकर आप जो मांग को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर आप भ्रमण कर रहे हैं, पूरा आज हमें प्रतापगढ़ जिले में निमंत्रण बताने में कि आपने जो बेड़ा उठाया है, जो मांग आपने बताई, निश्चित ही क्षत्रिय समाज के लिए उत्थान में काम करेंगे और इसी में अपन को प्रतापगढ़ जिले से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पदार्थ के कार्यक्रम को सफल बनाना है और यहाँ पदार्थ भी बना मैं स्वागत करता हूँ और अपन जयपुर अधिक से अधिक संख्या में अपन जयपुर जावे की तैयारी आज से ही अपन जिला अध्यक्ष अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुँचे।